शादी.com के माध्यम से पहचान कराकर शहर के नागरिकों को लाखों का चुना लगाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जिमखाना में आयोजित पत्र परिषद में पुलिस अधिकारी नूरुल हसन इन्होंने ये जानकारी दी। आए दिन शहर में जालसाजी की कई घटनाएं हो रही है, जिससे नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे। ऐसी एक घटना शहर के होटल सेंटर पॉइंट और रेडिसन ब्लू में ठहरे होटल ग्राहकों के साथ भी हुई। शादी.com, संगम.com आदि.com से शहर के महिला पुरुष नागरिकों को शादी का लालच देकर शादी.com और संगम.com से फंसाने और उन्हें लूटे जाने का मामला सामने आया। इस.com से दो शातिर आरोपियों ने अपने शातिर दिमाग का उपयोग करते हुए पहचाने हुए लोगों से होटल में मिलने पहुंचे। थोड़ी देर बाद होटल ग्राहक के पैसे, मोबाइल, लैपटॉप, नगद राशि और सोने के आभूषण लेकर रफ चक्कर हो गए थे, जिनकी शिकायत शहर के सोनेगांव पुलिस थाना और राणा प्रताप नगर पुलिस थाना में फिरियादी ने शिकायत दर्ज की। फिरियादी की शिकायत पर शहर की पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। नागपुर के पुलिस जिमखाना में दोनों आरोपियों को पुलिस ने लाया। स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों आरोपी शातिर और जालसाज है। इस बारे में परिमंडल क्रमांक 1 के उपायुक्त नरुल हसन ने NBCN को जानकारी दी। स्टेशन मध्ये एक गुना दाखिल झाला होता 17/11/2020 ला, अंडर सेक्शन 420 आणि 380-34। यामध्ये एक उत्तर प्रदेशची महिलाची तक्रार होती की एक माणूस ज्याचं नाव रिंपी खंडूसा आहे, त्यांची ओळख जीवनसाथी.com वर यांची झालेली आहे आणि 7 आणि 8 दरम्यान त्यांची भेट झाली होटल सेंटर पॉइंटमध्ये आणि नंतर 8 तारीखची सकाळी ते माणूस 2,25,000 साईत घेऊन गेला। ATM होते, याच्यामध्ये आयफोन होता आणि बरेचशी सोन्याची दागिनी होती। दुसरी घटना घडली होती रेडिशन ब्लू हॉटेलमध्ये, रोमी अरोड़ा नावाचे एक माणसाने असई सारखी वेस्ट बंगालची महिला सोबत असाई केला। जी वेस्ट बंगालची महिला होती त्यांनी पण त्यांची पण ओळख जीवनसाथी.com वर झाली होती। तर दोन्ही गुन्ह्यामध्ये जे मोडस होता वो एक सारखा होता आणि जे आधार कार्ड हॉटेलमध्ये लावलेले होते, जे आधार कार्डचा ॲड्रेस ग्रेटर कैलाश डेलीचा होता। तर याच्यावर ॲडिशनल CP श्री फुलारी सर आणि ॲडिशनल CP साऊथ श्री दिलीप झळके साहेबांनी आम्हाला बोलून एक जॉईंट टीम बनवण्यासाठी सांगितलं। तर आम्ही एक जॉईंट टीम बनवली आणि CCTV ची पाहणी केली तर आम्हाला एक गाडीचा नंबर भेटला। ते गाडी वापर करत होता, ते गाडी ओलाची होती आणि ओलाकडून संपर्क केला तर आम्हाला यांचा जीमेल ॲड्रेस आणि मोबाईल नंबर भेटला। नंतर आम्ही सायबरची मदतीने याची लोकेशन काढली आणि यांना 5/12/2020 अटक केली। नंतर आम्ही यांना इंटरोगेट केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की याचप्रमाणे त्यांनी जबलपूरमध्ये असा गुन्हा केलेला आहे आणि भोपाळमध्ये असा गुन्हा केलेला आहे। CDR ची अनालिसिस केली तर जे नागपूरचे 8 लोकांसोबत संपर्कात होता आणि वेगवेगळे 3-2 नामाची ID आहे जीवनसाथी.com वर, शादी.com, संगम.com वर यांनी ID बनवली होती। तर जवळपास 100 मुलीसोबत ते चॅटिंग करत होता। तर जनताला आव्हान आहे ते रोमियो अरोडा रिंपी खंडूसा या नामाची ID घर कोणी माणूस वापरतात ते मॅट्रिमोनी साईटवर, स्पेशली जीवनसाथी.com, शादी.com आणि संगम.com। तर आपण सतर्क रहा, कोणाही सोबत घर असा गुन्हा घडलेला आहे तर DCP Zone 1 किंवा PS सोनेगाव किंवा PS प्रतापनगरला आपण संपर्क करा। आरोपी जे आहे ते विलेज हरनिया आमला तहसील डिस्ट्रिक्ट बैतूल MP चा आहे आणि महिला बाहेरची आहे, पण हे इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे। ते कायसाठी ते नागपूरला आलं आतापर्यंत 1,83,000 1,83,000 कॅश आहे, गोल्ड है 17 ग्राम, 7 मोबाईल, 2 मोटरसायकल, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, TV, बेड, सोफा असे सारखे 7,13,000 मुद्देमाल आहे। आतापर्यंत दोन आरोपी आहे आणि फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। वी विल शेअर ऑल दी डिटेल विथ यू। वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग इन टू दिस केस, इफ एनी अदर सच काइंड ऑफ फसवणूक विल कम टू आर नोटिस, वी विल रजिस्टर एन FIR।
सर, जिस प्रकार से जो आधार कार्ड डुप्लीकेशन जो बनाए जा रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। इस दिशा में पुलिस प्रशासन क्या काम करने वाली है? जैसे ही हमें पता लगा कि इसमें इन्होंने आधार कार्ड बनाया है, उस बनाने वाले का हमने पता निकाला और उसको अरेस्ट किया है। कोई भी जो डुप्लीकेट आधार कार्ड बना रहे हैं, वो आधार एक्ट में, इसमें आधार एक्ट भी हम लगाएंगे और सेक्शन 420, सेक्शन 468, सेक्शन 34 हमने लगाया है और उनको अरेस्ट किया है। सर, एक तरफ शहर में पुलिस की संख्या कम है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो कामकाज हो रहे हैं, पुलिस तो अपने आप में अच्छा काम कर रही है। क्या कहना चाहूँगे पुलिस को, क्या देंगे इस बारे में, पुलिस प्रशासन क्या मदद करेगा? पुलिस को किसी भी तरीके का इस टाइप का गुना अगर सामने आता है, तो पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय होकर काम कर रही है और काम करती रहेगी। आए दिन शहर में शादी.com और अन्य साइट से लोगों को ठगा जा रहा है। लोग ऐसी घटना से सबक ले और खुद को सुरक्षित रखे। नूरुल हसन जुनून ने बखूबी बाबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से ये जो .com इसके ऊपर में जिस प्रकार से ये जो ऑफेंस हुआ और जो आरोपियों को धर दबोचा गया है, आगे की जांच जारी है और जो कुछ जिस तरह से लैपटॉप हो, पैसा हो या फिर सोने के जेवरात, जो मोबाइल, इन सबको पुलिस ने अपने जब्त कर लिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस दिशा में और क्या कामकाज करती है और किस तरह से आरोपी की तरफ से और भी जानकारी प्राप्त होती है। नागपुर के पुलिस जिमखाना से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।